आप लोग भी नोट कर रहे हो भाई, राष्ट्रीय कमेटी के जो लोग आप यही लापरवाही कर रहे हो। कल किससे पूछते फिर होंगे? नहीं नहीं, राष्ट्रीय कमेटी के लिए भी कहा सब लोगों नीचे बैठे होंगे, सबको नोट करना। काम तो आप ही लोग करवाओगे ना, कहां से करवाओगे जब आपको काम नहीं पता होगा। हमें सभी प्रदेशों में जमीन का आंदोलन चलाना, गौर से सुने, हिले ना। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के कितने लोगों पे खेती और रहने के लिए जमीन है, हमें इसकी डिटेल तैयार करवानी है। और जहां नहीं है, हम आंदोलन सरकार चला के सरकार से एससी एसटी ओबीसी के लोगों को खेती के लिए जमीन और रहने के लिए जमीन दिलाने का काम जो है ना, हम राष्ट्रीय स्तर पर करें। इसका पूरा डाटा दिल्ली से लेके और जम्मू से लेके उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, सब जगह का होना चाहिए। ये प्रदेश के अध्यक्षों की जिम्मेदारी है। अब एक टीम जिनका धन्यवाद हुए बगैर रह गया था, मुझे मौका था कि जब वो मेरा नंबर आएगा तब मैं उनका धन्यवाद दूंगा। मैं अपनी बहुजन मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं। अगर ये बहुजन मीडिया ना हो तो कितनी अन्याय की घटना दब जाए, कितनी घटनाएं जो है ना वो दबा दी जाए। क्योंकि मनु मीडिया कब से हमारी आवाज उठाने लगा। मैं बहुजन मीडिया के एक एक साथी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महामानव तथागत बुद्ध और महापुरुषों की कृपा आप पर बनी रहे। आज आपके यूट्यूब चैनल, कल आपका नेशनल चैनल भी बने, मेरी आपके लिए मंगल कामना। लेकिन हमें एक आईटी सेल भी पूरे देश में तैयार करना है, क्योंकि इनकी पैसे की मीडिया का सामना करने के लिए हम पे अपना मीडिया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताओ? बहुजन मीडिया के साथी काम करते हैं, लेकिन आपको अपना बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा कि मेरे द्वारा या राष्ट्रीय कमेटी या किसी भी प्रदेश कमेटी के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश कुछ घंटों में आप तक पहुंच जाए? बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? हाँ, और इसी के उसमें हमारे एक साथी हैं आवेद जी, उनका धन्यवाद देता हूं, जो महाराष्ट्र से राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं। अगर वो यहां हो तो खड़े हो जाएं। क्या यहां है आवेद जी? कहां है वो? अपनी मेहनत की कमाई से हमारा जो है मीडिया की वेबसाइट जो है तैयार करा रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बिना अपने मीडिया के अपनी सच्ची बात जाएगी नहीं। उस मीडिया में पूरे देश में होने वाले भीम आर्मी के आंदोलन संघर्षों को जो है ना जगह मिलेगी, और समय समय पर मेरे या और साथियों द्वारा कही गई बात आप तक पहुंचेगी। बहुत जल्द मैं उसका बहुत जिम्मेदारी से इनोग्रेशन करूंगा, मैं आपको सबको सूचना दूंगा बहुत जल्द उसकी। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है भीम आर्मी के साथियों का, हमें सभी प्रदेशों में युद्ध स्तर पर संकल्प लेकर 1,00,000 पाठशालाएं एक साल के अंदर खोल ली। 1,00,000 भीम आर्मी पाठशालाएं हर स्टेट के अंदर युद्ध स्तर पर तैयारी करके जिला, विधानसभा, मंडल, तहसील के लोगों को जिम्मेदारी देके 1 साल के अंदर 1,00,000 पाठशालाएं पूरे भारत में हमें खोलनी है टारगेट बना के। हिमाचल में भी खोलनी है पाठशालाएं, क्योंकि मैंने आज ही अखबार में पढ़ा, एक दिल्ली की जो सरकार है जो कहती है कि बाबा साहब का और भगत सिंह का फोटो लगाना है। मैंने ये पढ़ा पंजाब से जो न्यूज आई थी कि 2,00,000 शेड्यूल कास्ट के बच्चे सिर्फ उन्होंने छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया, उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये जो है बाबा साहब की फोटो दिखा के हमारे वोट छीनने वालों का सच। जो लोग बाबा साहब की फोटो दिखाते और कहते हैं कि हम बाबा साहब का आंदोलन चला रहे हैं, उनके सपनों का वो कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता बाबा साहब के सपने क्या थे। इसलिए एजुकेशन के बिना, क्योंकि ज्ञान से जानकारी बढ़ेगी, जानकारी के बाद हम लोग सवाल करना सीखेंगे,
तो 1 लाख पाठशाला खोलने कितने साथी मदद कराएंगे, हाथ खड़े करके बताओ। अच्छा, हाथ खड़े रखना एक बार। इतने लोग अगर ईमानदारी से तुम लोग साथ दे दो ना, तो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा 5 साल में। अगर इतने लोग ईमानदारी से तैयार होकर काम करें, आगे सुनो, हमें भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन को सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना है अपने अपने प्रदेश में। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों की जिम्मेदारी है कि भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, क्योंकि कॉलेज विश्वविद्यालय में हम लोग घुस नहीं पाते, क्योंकि वो कहते हैं हमारा इंटरनल मामला है। और सबसे ज्यादा शोषण जिसका गवाह दिल्ली भी है प्रोफेसर रतनलाल जी, और जिसकी गवाह लखनऊ भी है प्रोफेसर रविकांत जी। जो अपमान उन्होंने सहा वो इसी वजह सहा क्योंकि वहां भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन नहीं है। जिस दिन भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का योद्धा यूनिवर्सिटी कॉलेज में होगा, किसी की बनवादी की हिम्मत नहीं होगी कि किसी अधिकारी कर्मचारी, किसी अध्यापक और किसी बहुजन समाज के बच्चे का अपमान कर सके या उसको प्रताड़ित कर सके। हम रोहित वेमुला को खोल चुके हैं, हम अभी भी कई रोहित वेमुला खोने कगार में, अब हमें इसे बंद करना पड़ेगा। उसका तरीका है कि भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। एक महत्वपूर्ण काम मिशन 78 के साथियों के लिए, नारे जी से लेकर सब लोग यहां मौजूद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है सीओ साहब। 1 साल के अंदर 10 लाख अनुशासित, प्रशिक्षित, समर्पित, संकल्पित और ईमानदार सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करने हैं, डाटा बनाने हैं। कितने? 10 लाख 1 साल के अंदर हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। हमारे वाले कोई कर दो कट रहे, इनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है, मैं इनको पूरे देश में जाकर देखता हूं, बस इनको कैटराइज करवाना। देखो, अनुशासन सर्वप्रथम, डिसिप्लिन, फिर कैटराइज, जबकि एक कैटराइज व्यक्ति में, मिशनरी व्यक्ति में सब आ जाता है, लेकिन मैं अलग अलग बता रहा हूं। फिर डेडिकेशन, अगर समर्पण नहीं तो सब जीरो। आज आपको पद से हटा दिया और आपने सोशल मीडिया बैठ के सब सारी मेहनत जीरो कर दी, हो सकता है कल आपको उससे बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती अगर आप अनुशासन में नरम काम करते रहते, तो डेडिकेशन बहुत जरूरी। फिर अगर कमिटमेंट नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो डेडिकेशन के बाद संकल्प, कमिटमेंट बहुत जरूरी, और इन सारे कामों में ऑनेस्टी यानी कि ईमानदार होना जरूरी है। जो व्यक्ति ईमानदार नहीं होगा वो इस काम को नहीं कर पाएगा। ठीक है,